देखो पीरियोडिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं ना। सो देखो होता क्या है, लेट एफ टी बी पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी। मतलब एफ टी मेरा एक क्वेश्चन में कोई पीरियोडिक फंक्शन दिया होगा, कैसे वो मैं बात करता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन फंक्शन एफ टी इक्वल्स टू टी व्हेन टी इज इन बिटवीन जीरो टू सी, ठीक है, एंड टू सी माइनस टी व्हेन टी इज इन बिटवीन सी टू टू सी। तो इधर जो हमारा टाइम पीरियड दिया है ये कैपिटल टी है। ओके, यहाँ एक चीज देखना, एफ टी इज बी अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ पीरियड कैपिटल टी। सो यहाँ ऊपर एस टी ई माइनस एस टी ये हमारा नॉर्मल लैपलेस होता था, अगर याद हो तो। लैपलेस ऑफ एफ टी हम करते थे वो होता था हमारा ई की पावर माइनस एस टी एफ टी, है ना। सो अगर पीरियडिक फंक्शन है तो नीचे हमारा वन माइनस ई की पावर माइनस एस कैपिटल टी और जुड़ जाएगा, ठीक है, बस, एंड बाकी जीरो से टी तक ही इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इधर टाइम पीरियड दे रखा है तुम्हें 2c का, ओके, कैपिटल टी की वैल्यू दे रखी है फॉर द पीरियड टी इक्वल्स टू 2c। सो इतना तुम्हें पता चल गया, पीरियड दे दिया तो पीरियडिक फंक्शन, ठीक है, एंड हमें लैपलेस निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है, हम कर लेंगे, कैसे देखते हैं। लैपलेस ऑफ एफ टी निकालना है हमें, दैट इज इक्वल्स टू लैपलेस ऑफ एफ टी निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू, देखो करेंगे क्या, जीरो से पहले सी तक लूंगा, ठीक है, एंड सी से टू सी तक लूंगा, जीरो से सी तक लूंगा एंड सी से टू सी तक लूंगा। उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं कुछ और, जीरो से मैं टू सी तक डायरेक्ट ले लेता हूं, जीरो से मैं टू सी तक डायरेक्ट ले लेता हूं, ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। नीचे देखो वन माइनस ई की पावर माइनस एस एंड टी की वैल्यू क्या है टू सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टू कैपिटल सी एस, ठीक है, टू कैपिटल सी एस, ठीक है। अब इधर हमारी कोई भी टी की टर्म नहीं है तो हम इसको कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, इसको कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते, बचा क्या रहेगा वन बाय वन माइनस ई की पावर माइनस टू सी एस, एंड रह गया जीरो से टू सी का इंटीग्रेशन ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। इसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जीरो से टू सी वाले को, ये तो हम करते ही आ रहे हैं आज तक, यही तो करते आ रहे हैं, लैपलेस फॉर्मूला ये होता है ना। तो एक बार जीरो से टी इंटीग्रेट करेंगे प्लस जीरो से सी एंड सी से टू सी, तो ये हो जाएगा ई माइनस एस टी इंटू टी एंड ई माइनस एस टी इंटू इधर फंक्शन ऑफ टी क्या टू सी माइनस टी। ये फर्स्ट फंक्शन लोगे, ये सेकंड फंक्शन लोगे, ठीक है। करते कैसे होते थे ये देख लेते, आई लेट लगाते होते थे। सो फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा इधर आई लेट में, ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा, पहला वैसे का वैसी सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन करते होते थे हम, यही करते थे, ठीक है। कर लोगे इसको, आई होप सो कि सब कर लोगे, बाकी नहीं कर पाओगे तो चलो मैं एक पार्ट कर देता हूँ, उसका तुम खुद कर लेना, ठीक है, इस वाले का मैं कर देता हूँ, ठीक है। सो जीरो से सी ई माइनस एस टी इंटू टी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, इसको सेकंड ले रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज ई की पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज टी का वन हो जाएगा इंटू ई की पावर माइनस एस टी बाय एस ई माइनस एस हो जाएगा, ये माइनस एस बार भेज रहा हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन बाय एस, ठीक है। इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टी बाय एस ई की पावर माइनस एस टी, ये तो यही फंक्शन है, प्लस ई की पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस और एक वन बाय एस पहले से ही बार है सो एस स्क्वायर, ये माइनस साइन को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। आई होप सो इतनी बात सबको समझ आई होगी।
इतनी बात सबको समझ आई होगी। अब वैल्यू पुट कर दो जीरो से सी, जीरो से सी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ एंड कुछ फॉर्मूला मिटा देते हैं जिससे थोड़ी स्पेस बन जाए एंड काम हो जाए। सो बचा क्या इधर, सी डालेंगे तो माइनस सी ई की पावर माइनस सी एस अपॉन एस माइनस ई की पावर माइनस एस सी अपॉन एस स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन का आंसर आ गया, ठीक है, इस वाले का, इस वाले का। सेकंड फंक्शन का भी सिमिलरली तुम निकाल लोगे सारी, सेकंड फंक्शन का भी सिमिलरली निकाल लोगे सब। सो उसका आंसर जो आएगा इंटीग्रेट करके, उसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन ही लगाना है, इसको तुम फर्स्ट फंक्शन ले लेना, इसको सेकंड फंक्शन ले लेना, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा दैट इज प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 बाय एस स्क्वायर ई की पावर माइनस टू सी एस माइनस सी बाय एस ई की पावर माइनस एस सी माइनस 1 बाय एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस सी, ये आएगा, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा इसका। अब देखो इसको यूज करोगे, इसको यूज करने की अब क्या जरूरत, देखो किस किस को तुम यूज करोगे, इस वाली इक्वेशन को यूज करोगे, इसको यूज करोगे एंड इसको यूज करोगे, तीनों को यूज करोगे। तो देखो अब आंसर क्या आएगा, इन दोनों का आंसर सीधा इसमें वैल्यू पुट करेंगे एंड ये हमारा वैसे का वैसे। सो रह के गया जो इसकी वैल्यू है वो ये है सारी, हटा देते इसको भी, हम हमारी वैल्यू कम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब देखो ये जो है वो ये है, इसके साथ बस ये मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा दो मिनट, इसको तुम सॉल्व कर लोगे पूरा एंड इस आंसर के साथ ये मल्टीप्लाई कर दो, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस टू सी एस, सो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन दिया था उसका, ठीक है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना एंड तक, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, बस इतना कहूँगा, इसको एंड तक सॉल्व कर लेना, ये ना हो कि बीच में छोड़ दो, जहाँ मैंने छोड़ दिया उधर ही छोड़ दो, ठीक है, वो चीज़ मत करना, बस बाकी जो मर्जी करते फिर, बाकी जो मर्जी करते फिर, बस ये मत कर देना, ठीक है। आई होप सो कि ये वाली बात भी सबको समझ आ गई होगी एंड जो अगली अगला हमें टॉपिक पढ़ाना है दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन, वो हमें पढ़ाना है यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। सो उस टॉपिक की बात करेंगे क्योंकि उधर हमें दो चीज़ें पढ़ानी है, यूनिट स्टेप फंक्शन एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, वो दोनों ही हमें पढ़ाना है, ठीक है। सो इस प्रेजेंटेशन को इधर ही खत्म करते हैं, अगली प्रेजेंटेशन में जो हम बात करें दैट्स ऑफ यूएसएफ दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन एंड एसएसटी दैट इज सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की हम बात करेंगे, ठीक है, दैट इज सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की बात करेंगे। आई थिंक कि अब तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले बताने जरूरी रह गए, इसके बाद इंटीग्रेशन करना क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है ना, इंटीग्रेशन करना कोई क्वेश्चन में बड़ी बात नहीं है। तो अगली प्रेजेंटेशन में अब हम बात जो करेंगे उसकी ही बात करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।